इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सीजन यानी कि 22 मार्च को शुरू होने वाला है। बीसीसीआई और आईपीएल काउंसिल ने इस मेगा सीरीज की शुरुआत 21 मैचों के शेड्यूल जारी कर दी है। शेड्यूल के जारी होते ही इसे लेकर चल रहा फैंस का इंतजार भी खत्म हो गया है। ये मेगा T20 लीग 22 मार्च से शुरू होगी और अभी तक इसका 7 अप्रैल तक का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। वहीं यूपी के क्रिकेट प्रेमी जानने के लिए बेताब हैं कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कब और किस टीम के बीच मैच खेला जाएगा। तो आपको बता दें कि इस लीग का पहला मैच चेन्नई के चेम्पाक स्टेडियम में 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। वहीं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 30 मार्च को इस लीग का पहला मैच खेला जाएगा। यहाँ लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम पंजाब किंग्स के साथ मैदान में उतरेगी। लखनऊ की टीम आईपीएल के इस ब्रांड T20 लीग के साथ 2022 में ही जुड़ी है और इसकी कप्तानी का जिम्मा जो है वो केएल राहुल को सौंपा गया है। लखनऊ में आईपीएल की शुरुआत से पहले आइए जान लेते हैं यहाँ के इकाना स्टेडियम की कुछ खास बातें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने इकाना स्टेडियम को अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम की जो नींव है वो 2015 में रखी गई थी और 6 नवंबर 2018 को यहाँ पर पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था। इस मैच में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने थी। इसके बाद से यहाँ पर लगातार इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं। इस स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये करीब 71 एकड़ में फैला हुआ है। आधुनिक सुविधाओं के साथ इस स्टेडियम में 9 पिच बनाई गई है जिसकी मिट्टी मुंबई से लाई गई है। इस स्टेडियम के पिच की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को भी अच्छा मूवमेंट मिलता है। इस साल की शुरुआत 21 मैचों के शेड्यूल पर गौर करें तो ये 22 मार्च से 7 अप्रैल तक होने वाले मैचों में से 2 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। यहाँ घरेलू टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स 30 मार्च को पंजाब किंग्स के साथ भिड़ेगी। इसके बाद 7 अप्रैल को एक बार फिर से लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम इसी स्टेडियम में गुजरात टाइगर के साथ दो दो हाथ करती नजर आएगी।